अगली तस्वीर आपको देखनी चाहिए, इसलिए देखनी चाहिए कि सिस्टम से जब हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो क्या करते हैं, उस काम को करना बंद कर देते हैं या गुहार लगानी बंद कर देते हैं, लेकिन जिद होनी चाहिए। जिद आप देखिए, ये महिला ये कीचड़ में लोट लगाकर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए यहां पर दिखाई दे रही हैं। ये महिला इसलिए कीचड़ में संती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि ये शिकायत कर रही है किसकी, सरपंच और सचिव की। लगातार कई बार शिकायत की गई लेकिन उसके बाद इनका काम नहीं हुआ, ना तो इनका नाम लाडली बहना योजना में मिला जुड़ा, ना ही इन्हें आवास योजना का लाभ मिला है। और इसके पीछे वजह यह है कि अधिकारियों की लीपापोती और लगातार की गई कोशिश के बावजूद भी जब काम नहीं हुआ तो फिर ये विरोध का तरीका है, ये गांधीगिरी भी कह सकते हैं, विरोध का तरीका भी कह सकते हैं। कीचड़ में ऐसे जाते हुए ये अधिकारियों के लिए शर्मनाक तस्वीर है, देखनी चाहिए उनको। भी नहीं आया जो झोंपड़ी में ही तो रह सक, सूखा कार्य में कोई काम नहीं आ रहा है यहाँ में तो। अब मैं कलेक्टर साहब का जाऊँ क्या, अब तो मिल में कलेक्टर साहब का जाऊँ क्या भाई, हमारे मोहल्ले में कचू काम भी नहीं है, दैया प्रशासन से मैं भी तो लड़ूंगी बरोबर, क्या जो काम है मैं चाहिए है, क्यों नहीं दे रहे जो काम है तुम। ग्राम पंचायत द्वारा नाली और सीसी रोड का निर्माण नहीं किया गया जिससे पानी भर रहा है और कीचड़ की स्थिति निर्मित हो रही है। मैं अभी सीओ जनपद पंचायत को बता रहा हूँ इस संबंध में, तो तत्काल इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है और तत्काल इसमें नाली निर्माण और सीसी रोड का निर्माण कराया जाए।